हाय एवरीवन दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं 12th का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करें। बहुत सारा कॉलेज इसमें ऑनलाइन है, बहुत सारा कॉलेज में ऑफलाइन है। तो बट जो कॉलेज अभी हम बताने वाले हैं SBSS कॉलेज, उसमें ऑनलाइन फिलअप हो रहा है। तो सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसमें सर्च कर देना है SBSS कॉलेज। सर्च करके आप लोग आइएगा तो आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगा वेलकम टू SBSS कॉलेज, उस पर क्लिक कर देगा। जैसे ही क्लिक करिएगा आप लोगों को होम पेज खुल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। पहला ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे ऑनलाइन फिल इंटर एग्जामिनेशन फॉर्म 2021-23, और दूसरा मिल रहा है आपको डाउनलोड इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे करना है। नीचे करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाएगा, साइंस, कॉमर्स, आर्ट। तो आप जो भी है अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम कॉमर्स वाला के देख लेते हैं। इस हिसाब से आप लोग का यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट का PDF मिल जाएगा। आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे खोज लीजिएगा। अगर आपको खोजने में समस्या है तो आप लोग कंट्रोल एप टिप के आप लोग नाम डालिएगा, आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद अगर मोबाइल में करते हैं तो मोबाइल में भी आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और PDF में खोजिएगा अपना नाम लिख के, तो आपका मिल ही जाएगा। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा बैक आ जाना है। जैसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोगों को फिर से होम पेज पे आ जाना है। जैसे होम पेज पे आइएगा तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ऑनलाइन फिल इंटर एग्जामिनेशन फॉर्म, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा इम्पोर्टेंट जानकारी दिया गया है, उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैसे हम बता देते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोग को बता देते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि आप ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 25/9/2022 तक ही भर पाइएगा, वो भी 5 बजे शाम तक। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, अगर फॉर्म फिलअप करते वक्त आप लोगों का पेमेंट जब करते हैं तो उस टाइम अगर पेंडिंग हो जाता है, किसी कारणवश फंस जाता है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों को इस नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सअप करना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पेमेंट आईडी, या तो आप जीमेल भी कर सकते हैं। इस जीमेल पे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, पेमेंट फंसेगा तो आप जीमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके अपना पेमेंट पेंडिंग का सक्सेस करवा सकते हैं। 24 घंटे के अंदर में आप लोगों का पेमेंट सक्सेस कर दिया जाएगा। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है सो यहाँ पे दिया गया है। डॉक्यूमेंट वैसे हम बता दे तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपको फोटो लगने वाला है, जाति लगने वाला है, अगर SC ST से आते हैं तो आय प्रमाण पत्र भी लगेगा, निवास भी लगेगा। उसके बाद आप लोग का रजिस्ट्रेशन स्लिप लगेगा जो आपको डाउनलोड करने के बताया वो लगेगा। उसके बाद एडमिशन के समय में जो आप लोग रसीद दिए थे वो रसीद भी आप लोग का लगेगा ना। उसके बाद नीचे कितना रुपया लगने वाला है उसके बारे में जान लेते हैं। तो नीचे आप लोगों का रेगुलर स्टूडेंट का लगेगा, जनरल BC का 1650 रुपया, EBC SC ST का 1390 रुपया, EX स्टूडेंट है उन लोगों का 1310 रुपया लगेगा ऑल स्टूडेंट का, कंपार्टमेंटल वाला का 1180 रुपया लगेगा, और इम्प्रूवमेंट वाला का लगेगा आपको 1990 रुपया। तो इस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो। तो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो चलिए आप लोगों को कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, एक लॉगिन का, एक रजिस्टर का। तो रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करिएगा आप लोग का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, उसके बाद आप लोग का नाम मांगा जाएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। ये सारा डाटा फिल करने के बाद आप सबमिट करिएगा। सबमिट करने के बाद आपका मोबाइल पर OTP जाएगा। OTP जाने के बाद आप लोग OTP फिल कर दीजिएगा, पासवर्ड बना लीजिएगा एक, और पासवर्ड बना के आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। जैसे सबमिट करिएगा आपका User ID और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को लॉगिन वाले सेक्शन पे आ जाना है। लॉगिन वाले सेक्शन पे आने के बाद आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो लिख दीजिएगा, उसके बाद आपका जो पासवर्ड होगा वो आपको लिख देना है। उसके बाद I am not Robot पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग लॉगिन कर देंगे। जैसे ही लॉगिन करेगा आप लोग का पूरा फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुल जाएगा, फॉर्म में आप लोग को बहुत सारा ऐसा डाटा है जो आप लोग का ऑलरेडी फिलअप रहेगा, बट कुछ डाटा आप लोग को फिल करना पड़ेगा। आपका फोटो, सिग्नेचर, जाति, आवासी, वो सब आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा।
अभी मेरे पास कोई भी ऐसे डाटा अवेलेबल नहीं है SBSS कॉलेज के लिए जो मैं पूरा फॉर्म फिलअप करके बता सकूं। मैं इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कितना पेमेंट कटने वाला है, कैसे आप लोग फिलअप कर सकते हैं। अगर आप लोगों का फॉर्म फिलअप करवाना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आप लोगों का सारा डिटेल्स आप लोग को वहाँ पर बता दिया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कुछ चार्ज देकर आप लोग फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो आप लोग काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वंदे मातरम।